तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों ये है मिल्टन का थर्मोस्टील फ्लस्क, ठीक है। इसका साइज है 2.5 लीटर, इसका साइज है 3 लीटर और इसका साइज है 3.5 लीटर। आज इस वीडियो में मैं इस फ्लस्क को टेस्ट करने वाला हूँ। एक्चुअली कंपनी दावा करता है कि 24 घंटों तक इसमें पानी ठंडा या गर्म रहेगा, यही चीज मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। 3.5 में मैं एकदम फुल पानी रखूंगा, 3 में हाफ पानी रखूंगा और 2.5 में उससे कम, मतलब हाफ से भी कम पानी रख के 24 घंटा बाद में देखूंगा कि इसमें क्या बाकी में पानी गर्म रहेगा। अगर पानी का टेम्परेचर घट गया तो कितना डिग्री तक घट जाएगा, यही चीज मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और दोस्तों इस प्रोडक्ट की रिव्यू वीडियो अगर आप लोग देखना चाह रहे हो, एक्चुअली ये है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैं इस प्रोडक्ट की रिव्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, अगर वो वीडियो आप लोग देखना चाह रहे हो तो ऊपर में आई बटन में आ रहा है, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने छोड़ के रखा है, वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सुशांत, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके भाई आपके लोगों के लिए ऐसे होम एंड किचन रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। और उसके साथ जो नीचे बेल आइकन है आप उसे भी थोड़ा प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। कृपया आप मेरी हिंदी के लिए मुझे माफ कीजिए, क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मेरा जो मातृभाषा है वो है बंगाली और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी में बता पाऊँ। दोस्तों मैं आपके पास अभी मौजूद हूँ एकदम फ्रेश, ताजा ताजा गर्मा गर्म एक बाल्टी पानी लेके। एक्चुअली तीनों फ्लस्क की जो पानी का क्वांटिटी है मुझे गीजर से गर्म करके लाना पड़ा। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस पानी का अभी टेम्परेचर क्या है। देखिए यहाँ पे मेरे पास है अभी एक किचन थर्मोमीटर, अभी देखते हैं कि पानी का टेम्परेचर क्या दिखा रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 58 डिग्री अभी फिलहाल टेम्परेचर दिखा रहा है। टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट मैं इसमें पानी पोर कर लेता हूँ। ये है 2.5 लीटर, 2.5 लीटर में थोड़ा मैं पानी कम रखूंगा, हाफ से भी कम। 3 लीटर में मैं हाफ पानी यहाँ पे पोर करता हूँ और जो 3.5 लीटर है मैं एकदम पानी फुल करता हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो 3 लीटर है इसमें मैंने पानी एकदम फुल करके रखा है, ठीक है, और जो 2.5 लीटर है यहाँ पे देखिए हाफ से भी कम, और जो 3 लीटर है इसमें मैंने एकदम पानी हाफ रखा है। मैं थोड़ा इस पानी का टेम्परेचर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी दिखा रहा है 57, वहाँ पे था 58, हाँ 57.5, आप 58 ही पकड़ लीजिए, ठीक है। तो फटाफट इसे अभी करना है बंद। तो दोस्तों अभी देखिए मैं आप लोगों को टाइम दिखा रहा हूँ, अभी बज रहा है रात का 11:49। तो कल रात ठीक सेम टाइम में 11:49 मैं तीनों फ्लस्क को खोल के देखूंगा और देखते हैं कि किसमें कितना पानी गर्म रहता है। पानी का टेम्परेचर तो घटेगा ही, क्योंकि फुल जिसमें है उसमें थोड़ा ज्यादा गर्म रहेगा, जिसमें हाफ है उसमें उससे थोड़ा कम, और जिसमें कम है मतलब जिसमें थोड़ा है उससे भी कम गर्म रहेगा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक मैं आपके पास फिर से हाजिर हो चुका हूँ। देखिए यहाँ पे फिलहाल दिखा रहा है 11:43, हाँ 11:43, मतलब 6 मिनट में पहले खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए एक बात एकदम सच है, 24 घंटों के बीच में मैं कोई भी फ्लस्क को खोल के नहीं देखा था। ये है 2.5 लीटर, 2.5 लीटर में जिसमें मैंने थोड़ा पानी रखा था, अभी देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट है। 58 डिग्री में मैंने पानी पोर किया था, यहाँ पे देखिए 36 डिग्री दिखा रहा है, 36 डिग्री 37 हो चुका है, 37 डिग्री मतलब आप बोल सकते हैं कि पानी एकदम ठंडा हो चुका है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा, हाँ पानी एकदम हल्का वार्म वाटर है, ठीक है। इसे फिलहाल मैं रखता हूँ साइड में और अभी मैं खोल के देखता हूँ 3 लीटर, 3 लीटर का क्या, 3 लीटर का क्या रिजल्ट आ रहा है। 3 लीटर में मैंने पानी हाफ करके रखा था, 3 लीटर में देखिए 43 डिग्री यहाँ पे दिखा रहा है, 43 मतलब गर्म है, अच्छा गर्म है। और अभी आते हैं फाइनल जो 3.5 लीटर फ्लस्क है जिसमें मैंने फुल पानी भर के रखा था, अभी इसको खोलते हैं और देखते हैं कि 58 डिग्री में मैंने पोर किया था, 46, 47, 48 डिग्री, हाँ गर्म है। जो 3.5 लीटर था इसमें है 48 डिग्री, और 3 लीटर में है 44, 2.5 लीटर का तो छोड़ ही दीजिए, वो 35 या समथिंग क्या दिखा रहा था। तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट तो आपके सामने ही है। तो मेरे हिसाब से इसका क्वालिटी तो एकदम बढ़िया है, 1 साल की वारंटी इसमें आप लोगों को दिया जाएगा। इस सभी प्रोडक्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ के रखा है, अगर आप लोग चाहे तो वहां पर जाके चेक कर सकते हैं, प्राइस ऊपर नीचे होता रहे। और इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सही आंसर देने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया होम एंड किचन रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए साइलेंस, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।